हेलो दोस्तों, तो आज की बहुत बड़ी खबर है। बीएड बीटीसी का जो मामला पिछले 2019 से चल रहा था, मामला 3-4 वर्षों से, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बच्चे जो परेशान थे उसका जो मामला है वो आ चुका है। ये किसी की कही सुनी बात नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट की ऑफिशियल मैं आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए 10, ठीक है, यहाँ पर मामला जब ये नंबर केस हुआ था, पेंडिंग था। अब आपका फैसला क्या आया है, उस फैसले को लेकर बीएड वाले काफ़ी निराश हुए हैं और बीएड को बाहर कर दिया गया है, जैसा कि आपको पता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो यहाँ पर जो बीटीसी वाले हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं जीत है। वहीं पर जो बीएड वाले हैं उनके लिए ये मामला काफ़ी निराशाजनक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेश शर्मा, जो गोपाल शर्मा, ये सारा यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है। और आपको मैं बता दूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के गजट था नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया और बीटीसी को अब डीलिट भी नाम से कहते हैं, तो जीत हुई। हालांकि इसके पहले राजस्थान सरकार ने इस मामले को जो है पहले ही कह दिया था कि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, तो वो मामला ऑलरेडी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और आज सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हालांकि आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये मामला, अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये आ रही कि क्या बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड वाले एग्ज़ाम देने जाएं या फिर ना जाएं, इस बात को लेकर भी संशय बनी हुई है। तो आपसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आगे जो भी अपडेट होगी वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर कमेंट करके मेंशन करना है कि आप वाकई में क्या जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप इस खबर से कितना सहमत हैं या फिर नहीं सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपने बातों को समझ लिया होगा कि जो बीएड है उसका मामला खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से और बीटीसी का मामला हायर हो चुका है और बीटीसी जीत चुकी है इस केस को, ऐसा कहा जा सकता है। और हमें लगता है जहाँ तक इस समय बीटीसी डीएलएड में एडमिशन हो नहीं रहा था, तो एक ये भी रंजिश हो सकती है ऐसा खबर आने का मतलब। हालांकि ये कोई फिक्स बात नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।